नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने वाला है, काफ़ी दिनों से गिरावट के बाद भारी इसमें गिरावट देखने वाली थी और उसके बाद हमें अब जो है फिर से इसमें तेज़ी का माहौल देखने वाला है और ये शेयर फिर से धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ चढ़ाई करता हुआ हमें देखने को अभी मिल रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी जो है खबर निकल के आ रही है, जैसे कि मैंने थंबनेल में जो है शो किया है। तो काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है शुगर सेक्टर की। इसके अलावा देखेंगे कि इस खबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस शेयर पर हमें देखने को मिलेगा और क्या ये तेज़ी जो चल रही है इसमें क्या ये कंटिन्यू रहेगी इसी प्रकार से, और आगे के इसके कौन से टारगेट रहेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के। ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्ट हैं तो आपको अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या लेनी है, और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये आपके लिए अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का, या आपको भी इसमें इंतजार करना है फ्रेश बाइंग करने के लिए। ये सारी बात जानेंगे इस वीडियो में, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्या हमें ट्रेड देखने वाली आज बजाज हिंदुस्तान शुगर में। तो देखिए, इसमें ओपनिंग हुई थी 14.40 रुपये पर ओपनिंग आज देखी इसने, और वो 14.30 रुपये का अपना लो लगाया था। तो देखिए, इसने अपने लो के बाद से अगर देखें तो ऑलमोस्ट अपना हाई टच किया था करीब करीब 14.15 रुपये का। तो देखें तो करीब करीब ये तेज़ी जो थी लगभग 5.5% तक इसने तेज़ी गेन कर ली थी, और उसके बाद क्या हुआ फिर से इसमें कंसोलिडेशन फेज आया, हल्की हल्की गिरावट आई, और उसके बाद देखिए इसमें अगर देखें तो 3% के आसपास जो है गिरावट आई जब से इसने अपना हाई टच किया था उसके बाद से। अब ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी के साथ आज इसमें तेज़ी हुई है, 14.65 रुपये पर अभी शेयर पहुंच चुका है। बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 3.90% रिटर्न देखने वाले हैं, 55 पैसे की तेजी सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में हमें देखने को मिल रही है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ पे इसमें ऑलमोस्ट 6.55% रिटर्न देखने वाले हैं। अगर आप देखें इस डिप के बाद से बहुत अच्छी इसमें तेजी आई है, करीब करीब 20% के आसपास ये शेयर बढ़ चुका है इस डिप के बाद से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि इसमें गिरावट जो थी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। अगर देखिए, अगर आप यहाँ से कंपेयर करें 23.50 रुपये के आसपास से, देखिए ये शेयर ऑलमोस्ट देखिए तो 46% तक ये शेयर गिर गया था, मतलब कि भारी भरकम हमें गिरावट देखने मिली थी और उसके बाद हैवी कंसोलिडेशन भी देखने मिला था। लेकिन अब जो है इसमें फिर से तेज़ी का माहौल जो शुरू हो चुका है और तेज़ी की जो है इसमें आगाज फिर से हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें आज के वॉल्यूम की, कैसा क्या वॉल्यूम देखने मिल रहा है, देखिए इसमें ऑलमोस्ट 71,12,900 पहले शेयरों का ट्रेड हुआ है, 45.54% शेयरों का हमें डिलीवरी परसेंटेज भी देखने मिल रहा है, और 14.60 रुपये की प्राइस पर देखिए 23,627 शेयरों का हमें बाइंग साइड पर ऑर्डर भी देखने मिल रहा है, मतलब जो ऑर्डर अभी सेलिंग साइड पर थे अब वो बाइंग साइड पर देखने मिल रहा है, लेकिन बाइंग साइड पर बहुत ज़्यादा हमें ऑर्डर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है जो ऑर्डर होने चाहिए, क्योंकि अब ये धीमे धीमे जो शेयर बढ़ रहा है तो धीमे धीमे क्या होगा जब इसमें तेज़ी आएगी तो लोगों की नज़रों में फिर से ये शेयर आएगा और लोग फिर से इसकी तरफ इंटरेस्टेड होंगे बाई करने के लिए। अब बात करते हैं खबर की, कौन सी वो खबर है देखिए, तो ये 15 दिसंबर आज का देखिए आर्टिकल है, तो इसमें क्या बोला गया, WTO पैनल ऑर्डर वोंट इंपैक्ट शुगर इंडस्ट्री ISMA। तो क्या क्या बोला गया है, द शुगर इंडस्ट्रीज हैज सेड दैट द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ WTO पैनल विद रिगार्ड टू इंडियन शुगर एक्सपोर्ट विल नो इंपैक्ट एज करेंटली देर इज नो एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो ये बात बोली है उन्होंने कि शुगर जो अपना इंडियन शुगर एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला, जो WTO पैनल की जो रिपोर्ट है या जो भी उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी वजह से कुछ भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसमें पढ़े अगर तो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन जिसको हम ISMA बोलते हैं इज कॉन्फिडेंट दैट द करंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर एंड द सब्सिडी देयर इन विच वर बीइंग गिवन इन द लास्ट फ्यू इयर्स एज आर एज पर WTO रूल्स एंड देयरफॉर देयर विल बी एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन द शुगर इंडियन शुगर मिल्स और द शुगर केन फार्मर्स। तो ये बात बोली है कि जो भी रूल्स बनाए गए भारत सरकार की तरफ से किसके ऊपर WTO रूल्स के साथ है वो जितने भी रूल हैं, और इसके अलावा इसका कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो भी WTO पैनल ने जो है रूल्स दिए हैं या जो भी इनके जो है पाबंदियां लगाई हैं उससे कोई भी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है शुगर मिल्स पर, और इसके अलावा अपना शुगर केन फार्मर्स पर। इसको आगे पढ़े वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WTO बोलते हैं, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, पैनल ऑन December 14 रूल्स अगेंस्ट इंडिया शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन ग्रोवर इन डिस्प्यूट फाइल्ड बाई ऑस्ट्रेलिया ब्राजील और ग्यूटमेला, बट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इशूड आर्ट स्टेटमेंट क्लेमिंग देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ पैनल्स फाइंडिंग ऑन एनी ऑफ इंडियाज एग्जिस्टिंग एंड ऑन गोइंग पॉलिसी मेजर इन द शुगर सेक्टर। तो ये बात बोली गई क्योंकि जो है ये अपना केस किसके द्वारा किया गया, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील और ग्यूटमेला के द्वारा जो है ये किया गया है केस,
कि जो है ये भारत सरकार की तरफ से काफी सपोर्ट किया जा रहा है शुगर केन ग्रोवर्स को, और इस जो अपने एक्सपोर्ट सब्सिडी होती है उसको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो है इन्होंने WTO में अपनी अर्जी डाली थी, और WTO ने थोड़ा सा रूल्स भी अपनाए थे, लेकिन उन्होंने जो बोला है अपना जो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के हैं ISMA जो है, उन्होंने बोला है बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जो है हमारी गवर्नमेंट है इन रूल्स के साथ सख्त है, और कोई भी उन्होंने कोई भी अपने रूल्स तोड़े नहीं है, ये बात बोली गई है ISMA की तरफ से। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस खबर का पड़ेगा इस शेयर पर, क्योंकि अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सपोर्ट पर तो शुगर प्राइस भी हमें बढ़ती हुई देखने मिलेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, और आपको पता है कि ब्राजील में जो इतना खराब प्रोडक्शन हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रही है कि इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है, भारत इतना आगे बढ़ गया है शुगर सेक्टर में, इसलिए जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है झटका सा लगा है, क्योंकि इनके देश में इतना अच्छा प्रोडक्शन इस बार नहीं हो पाया है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्शन हुआ है शुगर का, और लगातार होता आया है आगे आने वाले समय में भी, और भी बढ़ना है, और शुगर का आगे आने वाले समय आपको पता ही कितनी मांग होने वाली है, एथेनॉल की ब्रांडिंग होनी है पेट्रोल में, तो उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का जो है भविष्य काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है। आप चाहे बात करें बयाज इंडस्ट्रियल शुगर की या राणा शुगर मिल्स की बात करें, जो बड़ी कंपनियां उनके तरफ स्कोप है, ये छोटी छोटी कंपनियों भी काफ़ी जो है इम्पैक्ट जो है डालने वाली, इनका भी बहुत रोल प्ले होने वाला है अपने इकोनॉमी को ऊपर ले आने में, और शुगर सेक्टर की डिमांड को पूरा करने में, जो अपने बयाज हिंदुस्तान शुगर है और अपनी श्रीलंका का शुगर है, इन कंपनियों का बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा। तो मैंने आपको बाइंग जो कराई थी, मैंने आपको एक लेवल दिया था 13 रुपये 30 पैसे का, मैंने आपको बोला था ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन ये टूट गया था और ये शेयर 12 रुपये 55 पैसे इस लेवल से सपोर्ट लेके, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 रुपये के नीचे चला गया था, और यहाँ से सपोर्ट लेके देखिए इसने तेजी पकड़ी है, और हमारा जो टारगेट है 15 रुपये 40 पैसे का इसको इसने हिट भी किया, और दोबारा देखिए इसमें हल्की सी गिरावट लेके जो है ये शेयर अब थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई घबराना नहीं, क्योंकि ये आपका बहुत मेजर आपका रेजिस्टेंस था 15 रुपये 40 पैसे का, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर ये रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है तो इसमें धमाकेदार आपको तेजी देखने मिलने वाली है, और जो ये गिरावट आई है जो इसमें थोड़ा डिप आया था इस गिरावट ये रेजिस्टेंस लेके जो वापस आया है, तो आप लिए ये मौका है कि आप इसमें अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी और भी तेजी आना बाकी है, तो अगर आप इसमें अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप आराम से अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है लेवल रहेगा फ्रेश बाइंग करने का, 14 रुपये 40 पैसे के आसपास आप जो है आराम से फ्रेश बाइंग करें, और आपका टारगेट रहेगा 15 रुपये 45 पैसे का टारगेट वन, टारगेट नंबर टू है आपका 17 रुपये 20 पैसे का, टारगेट नंबर थ्री आपका 19 रुपये 15 पैसे, ये आपके तीन टारगेट हैं, और इसके बाद आपका जो मेजर टारगेट है वो आपका 23 रुपये 15 पैसे का, तो आपके ये महत्वपूर्ण टारगेट मैंने प्रोवाइड कर लिए कौन से 15 रुपये 45 पैसे, 17 रुपये 20 पैसे, 19 रुपये 15 पैसे और 23 रुपये 15 पैसे, ये रहेंगे आपके टारगेट, और फ्रेश बाइंग आपको करनी है तो आप 14 रुपये के आसपास पर अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, 14 रुपये 40 पैसे के आसपास पर अपना जो है एक छोटी रेंज है 14 रुपये 40 पैसे से 13 रुपये 30 पैसे, ये 1 रुपये की रेंज में आप जो है अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं तो आप इसमें भी होल्ड करें, आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, आपको अभी होल्ड करना चाहे आपने काफ़ी ऊपर बाइंग कर रखी हो या आपने नीचे बाइंग की हो तो भी आपको होल्ड ही करना है, और फ्रेश बैंक करना है तो आप फ्रेश बैंक आराम से भी कर सकते हैं, और आपके टारगेट जो है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बाकी आपको कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। बाकी इस कंपनी का स्कोप काफ़ी अच्छा है, एथेनॉल ब्रांडिंग में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, और शुगर का जो प्रोडक्शन इतना तेज बढ़ रहा है भारत में उसको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी आगे आने वाले समय में बहुत तेज ग्रो करने वाली है, कंपनी लॉस में जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस फ्री आपको होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों यहीं तक था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपने पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।